हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉइन कलेक्शन। आज मैं आप लोगों को रिपब्लिक इंडिया की एक गवर्नर जो अमिताभ घोष है उसके टाइम पीरियड में जो करेंसी इशू हुआ था तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा डिनोमिनेशन का जो करेंसी है वो इशू हुआ था या कौन सा प्रीफिक्स और कौन सा इंसेट में करेंसी इशू हुआ था और उसका वैल्यू क्या है, प्रेजेंट उसका वैल्यू क्या चल रहा है, तो वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी तक आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उस फ्रेंड्स, अमिताभ घोष आरबीआई का 16th गवर्नर था। उसका जो टाइम पीरियड था वो था 15 जनवरी 1985 टू 4 फरवरी 1985, मतलब 21 डेज गवर्नर, सबसे कम समय का गवर्नर था वो। तो इसीलिए उनका जो सिग्नेचर का करेंसी है तो उसका वैल्यू भी बहुत हाई है। तो उसके टाइम पीरियड में 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ का करेंसी इशू हुआ था। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोगों को इस बार दिखा देता हूँ 2 रुपीज़ का जो करेंसी है। देख सकते हैं ये 2 रुपीज़ का रेड कलर का करेंसी है। आप ऊपर देखिए, ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, बोथ साइड 2 लिखा हुआ है, मिडिल में भी 2 लिखा हुआ है, और नीचे यहाँ पे देखिए मिडिल का राइट साइड में जहाँ 2 लिखा है उसके राइट साइड में देखिए आई प्रॉमिस टू पे द वियरर द साम ऑफ 2 रुपीज़। उसके नीचे जो गवर्नर का सिग्नेचर है वो देखिए ए घोष इंग्लिश में लिखा है, और लेफ्ट साइड में गवर्नर अमिताभ घोष आप देख सकते हैं, और जो राइट साइड में है वो अशोक पिलर है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, और लेफ्ट साइड के जहाँ वाटर मार्क है, जहाँ वाइट कलर का जगह है वहाँ वाटर मार्क है, और उसके नीचे 2 रुपया लिखा गया है। ये जो 2 रुपीज़ का करेंसी है ये ओनली W प्रीफिक्स में इशू हुआ था। देखिए जहाँ 66 लिखा है उसके बाद W लिखा है, इसको प्रीफिक्स कहते हैं। ये ओनली W प्रीफिक्स में इशू हुआ था। तो उसका बैक साइड देख लेते हैं कैसा आता है। देखिए बैक साइड में एक स्टैंडिंग टाइगर है मिडिल में, और ऊपर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। ऊपर बोथ साइड में देखिए 2 डिनोमिनेशन है, और उसके नीचे डिफरेंट लैंग्वेज में 2 रुपीज़, 2 टका, 2 टका, ये डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया है। एकदम नीचे 2 रुपया लिखा है, और राइट साइड में देख सकते हैं एकदम जहाँ वाटर मार्क है उसके नीचे 2 रुपीज़, और जहाँ टाइगर स्टैंड है उसके नीचे देखिए जो रिज़र्व बैंक का सिंबल है भारतीय रिज़र्व बैंक वो दिया गया है। ये 2 रुपीज़ जो टाइगर इशू है इसका, अब आते हैं इसका वैल्यू के बारे में। इसका जो बंडल है इसका प्राइस अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 12,000 से मोटा मोटी 15,000 के अंदर। पूरा बंडल अगर अच्छे कंडीशन का हो तो 12,000 से 15,000 इसका प्राइस है, और अगर फैंसी नंबर आएगा जैसे कि एंडिंग 786 हो या और भी कुछ फैंसी नंबर आएगा तो उसका प्राइस और भी ज़्यादा है। और सिंगल जो नोट है, लूज सिंगल नोट का प्राइस मोटा मोटी प्राइस है 100 रुपीज़ से 120 रुपीज़ के अंदर रहता है। अच्छे कंडीशन में रहेगा तो 100 रुपीज़ से 120 रुपीज़ आएगा, और ख़राब कंडीशन में रहेगा तो मोटा मोटी 70-80 रुपये इसके प्राइस है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं इसको सैटेलाइट इशू बोलते हैं, क्योंकि इसके जो बैक साइड है, बैक साइड में एक सैटेलाइट का पिक्चर दिया हुआ है, इसीलिए इसको सैटेलाइट इशू कहते हैं। तो ये भी अमिताभ घोष का जो गवर्नर था उसके टाइम पीरियड में इशू हुआ था, एक डिफरेंट इशू है। तो ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर वहाँ 2 लिखा है, उसके नीचे वाटर मार्क में अशोक पिलर है, और उसके नीचे 2 रुपये लिखा है। ऊपर देख सकते हैं भारतीय रिज़र्व बैंक, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ये लिखा हुआ है। उसके राइट साइड में देखिए यहाँ पे जो आरबीआई का जो सिंबल होता है वो दिया गया है, लायन नीचे इंडिया, मिडिल में 2, और उसके राइट साइड में देखिए
आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ सम ऑफ 2 रुपीज़। उसके नीचे गवर्नर का सिग्नेचर है, वो भी अमिताभ घोष का। और राइट एकदम राइट साइड में अशोक पिलर है। और नीचे देखिए ये नंबर, ये जो इशू था इसको सेटेलाइट इशू बोलते हैं। ये पी एन एंड क्यू, एन पी क्यू, ये तीनों प्रेफिक्स में इशू हुआ था। और इसका जो इनसेट है वो है ये ए इनसेट, आप देख सकते हैं मिडिल में जहाँ नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे ए लिखा गया है। और इसके बैक साइड में देख लेते हैं, बैक साइड में ऊपर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, उसके राइट साइड में 2 रुपया लिखा है। और मिडिल में देखिए वैराइटीज़ कलर का, जो डिफरेंट कलर है ब्लू ग्रे इस कलर का है, उसके मिडिल में सैटेलाइट का एक पिक्चर दिया गया है। और लेफ्ट साइड में 2 लिखा है, नीचे देख सकते हैं 2 रुपीज़ लिखा है। तो ये गया सैटेलाइट इशू। तो ये सैटेलाइट इशू इसका जो बंडल है मतलब पूरा पैकेट, इसका प्राइस अभी चल रहा है कम से कम 3500 से मोटा मोटी 5000 के अंदर। तो नॉर्मल जो है मतलब कोई फैंसी नंबर अगर नहीं होगा, कंडीशन अगर अच्छा होगा तो नियर अबाउट 3500 उसका प्राइस है। और अगर फैंसी नंबर रहेगा जैसे कि 786 और भी कुछ सुपर फैंसी नंबर रहेगा तो उसका प्राइस 5000 और 5000 के अबव भी हो सकता है। और इसका जो सिंगल नोट है, सिंगल करेंसी का अभी प्राइस चल रहा है मोटा मोटी 30 रुपीज़ से स्टार्ट होगा। अगर अच्छी कंडीशन का होगा तो 30 रुपीज़ प्राइस रहेगा, और अगर थोड़ा कंडीशन डाउन होगा तो मोटा मोटी 20 रुपीज़ ऐसा कुछ प्राइस रह सकता है। और अगर एंडिंग 786 ऐसा कुछ रहेगा तो उसका प्राइस मोटा मोटी कम से कम 500 रुपीज़ ऐसा चला जाएगा। तो नॉर्मली इसका प्राइस रहता है 30 रुपीज़ से। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 5 रुपीज़ का नोट, तो ये भी अमिताभ घोष के सिग्नेचर है इसमें देख सकते हैं। तो देख लेते हैं, ये ग्रीन कलर का नोट है, आप देख सकते हैं। इसको ट्रैक्टर इशू भी कहते हैं क्योंकि पीछे देख सकते हैं कि एक पर्सन जो ट्रैक्टर चला रहा है, इसीलिए इसको ट्रैक्टर इशू भी कहते हैं। तो देखिए ये नोट कैसा आता है, जो फ्रंट साइड है फ्रंट साइड के ऊपर देखिए भारतीय रिज़र्व बैंक, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। और लेफ्ट साइड में जो वाटर मार्क है उसके ऊपर देखिए 5 रुपया लिखा है, मिडिल में वाटर मार्क है, और उसके नीचे जो है RBI का जो सिंबल होता है वो है, और एकदम लेफ्ट साइड में 5 दिया गया है। मिडिल में जो है देख सकते हैं, मिडिल में 5 लिखा है और उसके नीचे जैसे कि 5 रुपीज़ वो है वो लिखा है, उसके नीचे जो गवर्नर का सिग्नेचर है देख सकते हैं अमिताभ घोष का सिग्नेचर। और राइट साइड में अशोक पिलर है, और उसके राइट साइड में डिफरेंट लैंग्वेज में जो 5 टका 5 टका ये सब लिखा गया है। ये जो है ये 5 रुपया, ये ओनली एक ही प्रेफिक्स में इशू हुआ था, वो है टी, और कोई अलग प्रेफिक्स नहीं है, ये टी प्रेफिक्स में इशू हुआ था। और इसका जो इनसेट है देख सकते हैं, ये डी इनसेट है। और उसका जो बैक साइड का देख लेते हैं, बैक साइड में भी देखिए भारतीय रिज़र्व बैंक, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, और मिडिल में देख सकते हैं एक बंदा है जो ट्रैक्टर चला रहा है, इसीलिए इसको ट्रैक्टर इशू भी कहते हैं। नीचे 5 रुपीज़, लेफ्ट साइड में 5, और जहाँ वाटर मार्क है उसके ऊपर 5 रुपया और उसके नीचे 5 दिया गया है। ये टी प्रीफिक्स में इशू हुआ था, और उसका इनसेट जो है ये डी इनसेट है। इसका जो प्राइस है मतलब ये अगर बंडल है और पैकेट जिसको कहते हैं, इसका प्राइस कम से कम 12 से 13 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है, 12 हज़ार से 15 हज़ार भी जा सकता है और उसके ऊपर भी जा सकता है। अगर नॉर्मल नंबर होगा तो 12 हज़ार में मिल जाएगा, और अगर कुछ एंडिंग 786 या सुपर फैंसी नंबर होगा तो और भी हाई प्राइस है। और इसका जो लूज़ नोट है मतलब सिंगल नोट है, इसका प्राइस कम से कम 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, 100 से मोटा मोटी डिपेंड करता है कि फैंसी नंबर होगा तो 500, 600 या 1000 रुपीज़ भी जा सकता है। और कंडीशन ख़राब होने से इसका प्राइस मोटा मोटी 50 से 70 रुपीज़ में रहता है। तो फ्रेंड्स ये तो देख सकते हैं, ये 10 रुपये का करेंसी है जो अमिताभ घोष का सिग्नेचर है इसमें,
इसको ब्लैक बोर्ड बंडल भी या ब्लैक बोर्ड करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो पीछे देखिए एक ब्लैक बोर्ड का पिक्चर है, ये नोट देखिए पूरा ब्लैक है, इसीलिए इसको ब्लैक बोर्ड बंडल या ब्लैक बोर्ड करेंसी भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये करेंसी कैसा दिखता है। देखिए ऊपर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है लिखा है इंग्लिश में, और मिडिल में देखिए 10, और उसके नीचे देखिए अमिताभ घोष का सिग्नेचर है। लोअर लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखिए यह नंबर है, एंड अपर राइट साइड कॉर्नर में भी उसका नंबर है, और राइट साइड में देखिए अशोक पिलर, और एकदम लेफ्ट साइड में वाइट में उसे वाटर मार्क है। और पीछे वाला देख लीजिए, पीछे डिफरेंट लैंग्वेज में जो 10 टका 10 रुपया ये लिखा गया है, और लेफ्ट मिडिल में देखिए एक ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, और बोथ साइड में 10 लिखा है, और लोअर बोथ साइड में देखिए 10 रुपया, और इंग्लिश में 10 रुपीज़ लिखा है। और मिडिल जहाँ बोट है उसके नीचे देखिए जो RBI का सिंबल है वो दिया गया है। तो ये ब्लैक बोर्ड जो करेंसी है 10 रुपये वाला अमिताभ घोष का, ये 3 प्रीफिक्स में इशू हुआ था, UV and W, ये 3 प्रीफिक्स में इशू हुआ था, और इसका जो इनसेट है वो ई इनसेट में इशू हुआ था। तो ये देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड, और इसका प्रेजेंट जो वैल्यू है इसका बंडल का अभी वैल्यू चल रहा है कम से कम मोटा मोटी 12 से 15 हज़ार के बीच में जाता है। नॉर्मल अगर बंडल होगा तो उसका प्राइस 12 हज़ार जाएगा, अगर 786 या कोई और भी फैंसी नंबर रहेगा तो उसके ऊपर 15 हज़ार से 20 हज़ार भी जा सकता है, या 25-30 हज़ार भी जा सकता है अगर फैंसी नंबर आएगा तो, और भी हाई प्राइस है। और इसका जो लूज नोट है, मतलब एक सिंगल नोट का प्राइस मोटा मोटी 150 रुपीज़ ऐसा रह सकता है, और फैंसी नंबर रहने से तो और भी हाई रहेगा। UNC कंडीशन में 150 ऐसा प्राइस है, थोड़ा कंडीशन डाउन होगा तो 100 या 100 से भी थोड़ा डाउन में आएगा, बट